हेलो फ्रेंड्स, मैं आचल आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आजकल हर जगह लोग अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं और अपना वजन जल्दी से जल्दी कम करना चाहते हैं। इसके लिए लोग तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं या फिर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कई ट्रीटमेंट तो ऐसे होते हैं जो काफ़ी महंगे भी होते हैं, लेकिन अगर आप घरेलू नुस्खों को अपना कर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा नेचुरल वे लेकर आई हूँ जिसका ना तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होगा और खाते पीते बिना डाइटिंग किए हुए आप अपना वेट कम कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। जी दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ चिया सीड से वेट कम करने का तरीका। इसका सेवन करने से आप वजन कम करने के साथ साथ कई बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। इसे एक सुपर फूड माना जाता है और इस बीच में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम पाया जाता है। अक्सर लोग चिया के बीज को तुलसी के बीज समझ लेते हैं, तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दें कि ये दोनों बीज अलग अलग हैं, इसके गुण भी अलग अलग हैं। 2 चम्मच चिया के बीज में 10 ग्राम फाइबर पाया जाता है। जितना अधिक मात्रा में आप फाइबर का सेवन करेंगे उतना ही आपका वजन कम होगा। साल 2015 में हुई एक रिसर्च के अनुसार रोजाना 30 ग्राम फाइबर का सेवन करने से आपका इतना वजन कम होगा जितना आप वजन कम करने के लिए डाइट फॉलो करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि इन सीड्स का सेवन आपको किस तरीके से करना है ताकि आपका वजन जल्दी से कम हो। आप ले लीजिए 1 ग्लास पानी, उसमें इस चिया सीड्स को आप भिगो दीजिए। आप रात भर भी भिगो सकते हैं, आप इसको ब्रेकफास्ट से 2 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। आप इसको भिगो कर जब रखेंगे तो ये कुछ इस तरह जैसे आपको इस ग्लास में दिख रहे हैं फूल जाएंगी। इसके फूलने का मकसद ये है कि ये बहुत देर तक आपका पेट भरा रहेगा, जिससे आप गलत चीज़ें नहीं खाएंगे। और ये फाइबर से भरपूर है, फाइबर आपका वजन कम करने में बहुत ही मदद करता है। जब आप इसको पानी में भिगो देंगे तो ये फूल जाएंगी। फिर आप इसमें डालेंगे 1/2 नींबू और 1/2 चम्मच शहद और डालेंगे चिया सीड्स। फिर आप देखेंगे कमाल, आपको ये ब्रेकफास्ट से 1/2 घंटा पहले लेना है। आपको कुछ भी खाने से 1/2 घंटा पहले से लेना है खाली पेट। फिर आप इसका कमाल देखेंगे, एक तो ये आपको बहुत एनर्जी देगा, आपको फाइबर देगा, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देगा, बहुत बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा है, आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा। दोस्तों, दूसरा तरीका है, आप इसे नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। आपको इसे पानी में भिगो के रखना है। जब आप नारियल पानी पिए तो इसको 2 घंटे भिगोने के बाद नारियल पानी में डालकर पीजिए। पहले इसको प्लेन वाटर में आप डिप करके रख दीजिए, ग्लास को ढक दीजिए, उसमें भिगो कर रख दीजिए। जब ये फूल जाए तो उसको नारियल पानी में डालिए और पीजिए। कुछ चेंज होगा, कुछ नया होगा। नारियल पानी भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये आपके लिए नारियल पानी में भी फायदेमंद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी रेमेडी की तरफ। आप इसको ऑरेंज जूस के साथ भी ले सकते हैं। कई लोगों को सुबह जूस पीने की आदत होती है, तो आप पहले इसको पानी में भिगो दीजिए। जब आप फ्रेश जूस निकालें तो इसको तब अपने ग्लास में डालकर जूस पीजिए। एक तो जूस और टेस्टी लगेगा और आपका जूस और हेल्दी बनेगा और आपको वेट कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो आप अगर इसको ऑरेंज जूस या कोई भी जूस आप पीते हैं उसमें डालकर पिएंगे तो आपका एनर्जी लेवल भी डबल होगा और इसका बेनिफिट भी डबल होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको चौथा तरीका बताती हूँ इसे यूज़ करने का। बहुत से लोग इसे अपनी रेसिपीज़ में भी यूज़ करते हैं। कई मिल्क शेक में पीते हैं, कई इसे फ्रूट सैलेड में खाते हैं। आप टोंड मिल्क का मिल्क शेक अगर पीते हैं सुबह तो आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप फ्रूट सैलेड खाते हैं तो आप चिया सीड्स को उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो यह भी एक तरीका है ब्रेकफास्ट करने का और चिया सीड्स को ऐड करने का।
दोस्तों मैंने यहाँ यूज़ की है फिटनेस मंत्रा की चिया सीड्स। अगर आप भी ये सीड्स खरीदना चाहते हैं, आप भी फिट रहना चाहते हैं, तो मैंने इसका लिंक अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे क्लिक कीजिए और इस चिया सीड्स को खरीदिए। ये बहुत ही हेल्दी है, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और जल्दी से अपना वेट कम कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए हेल्दी टिप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अलविदा।